there no competition. A koi nahi mukabla. From the bottom nikla topper dala paisa to munafa maape gali seedha lafa. A rep the na. हेलो गाइज, जब आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको 9:16 रेशियो को आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस बैकग्राउंड की लेंथ को बढ़ा देना है, जितने लेंथ के आप वीडियो को रखना चाहें। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड को बढ़ाना है और यहाँ से आपको इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद कैंची पे क्लिक करना होगा और इसको आपको बीच से ट्रिम कर देना होगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा और बैकग्राउंड को बढ़ाना होगा, कैंची पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से आपको काफ़ी पार्ट बना लेने हैं। जितने पार्ट आपको बनाएंगे उतने ज़्यादा लेंथ की आपकी वीडियो बन जाएगी। तो आपको इस तरीके से अपने बैकग्राउंड के पार्ट बना लेने। दोस्तों यहाँ से मैंने बैकग्राउंड के पार्ट कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको लेयर पे क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको अपने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी फ़ोटो से आपको वीडियो को बनाना है। दोस्तों आपको जो भी फ़ोटो सिलेक्ट करना है उस फोटो का बैकग्राउंड आपको रिमूव कर लेना है। दोस्तों अगर आपको फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि फ़ोटो का बैकग्राउंड परफेक्टली और ईजिली कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो गाइस यहां से मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाता हूं और फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। दोस्तों इस फोटो की लेंथ को आपको बैकग्राउंड के बराबर तक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को सिलेक्ट करना है और यहां से आपको इस तरीके से इसे बड़ा कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा डिलीट के नीचे और एक डुप्लीकेट फाइल बना लेनी है। उसके बाद आपको जो डुप्लीकेट फाइल आप बनाएंगे उसको आपको सिलेक्ट करना होगा इस तरीके से और यहाँ से आपको नीचे आना होगा। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रॉपिंग का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। मास्क को इनेबल करने के बाद फेदर को आपको इस तरीके से कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इसे काट देना है, यहाँ से आप जितना रखना चाहें ऊपर का रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से डिलीट कर देना होगा। गाइज आपको फेदर वाली लाइन को पूरा कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है, इसे को आपको सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से बड़ा करना होगा और यहाँ से आपको रख देना होगा। जैसे मैं यहाँ से रख रहा हूँ तो आपको भी इस तरीके से रख देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नीचे आना होगा और एक ऑप्शन मिल जाता है अल्फा ओपेसिटी का, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इसे कम कर देना होगा इस तरीके से। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड हो उस तरीके से आप रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से रख दिया 69 का, तो आपको इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद गाइज आपको जो भी आपके कट है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको बिग्निटी को इनेबल कर देना होगा। ये आपको हर कट में करना है, जैसे मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो आपको भी इस तरीके से हर कट में आपको ये कर लेना होगा। तो दोस्तों हर कट में मैंने बिग्निटी को ऐड कर दिया है। उसके बाद गाइज यहाँ से आपको शुरू में आना होगा और यहाँ से आपको पहली वाले लेयर को सिलेक्ट करना होगा कट को। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ से आपको एक ग्राफिक्स को डाउनलोड कर लेना होगा जिसका नाम है लाइट स्लाइडर, ये वाला ग्राफिक्स। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको नीचे आना होगा, गेट मोर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करें तब आपका डाटा ऑन होना चाहिए, तो आपको अपने नेट को ऑन कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको मॉडर्न सिंपल वाले ऑप्शन में आ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है। जब दोस्तों यहाँ से हम नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको लाइट स्लाइडर ग्राफिक्स मिल जाएगा, सिंपली आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, अब मैं आपको इसे लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं लाइट स्लाइडर वाले ग्राफिक्स में आ जाता हूँ, ये आ गया है। तो आपको इस तरीके से इसे ऐड कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ से मैंने इसे ऐड कर लिया, तो आपको भी इस तरीके से सभी में ऐड कर लेना है, यानी कि आपके जितने भी कट हैं सभी में आपको इस ग्राफिक्स को ऐड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो आपको भी इस तरीके से ऐड कर लेना। तो दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो को रोक के सभी कट में ग्राफिक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ से हमने सभी कट्स में दोस्तों ग्राफिक्स को ऐड कर लिया है। तो आपको भी इस तरीके से जितने भी कट हैं सब में ग्राफिक्स को ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको बिल्कुल शुरू में आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड वीडियो को सिलेक्ट करना होगा, जिससे दोस्तों आपके वीडियो में लिरिक्स और म्यूजिक दोनों लग जाएंगे। तो दोस्तों यहां से मैं उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां से ये वीडियो आ चुकी है, ये वीडियो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है। तो सबसे पहले इसकी ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए यहां से आपको नीचे आना होगा, ऑप्शन दोस्तों यहां से आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग का, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा और यहां से आपको इसे स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे ही दोस्तों यहां से आप स्क्रीन सिलेक्ट करते हैं तो इसकी ब्लैक स्क्रीन पूरी तरीके से हट चुकी है और दोस्तों हमारी वीडियो में यहां से देख लीजिए दोस्तों लिरिक्स आ चुके हैं और दोस्तों यहां से साउंड भी आ चुका है। आपको इस तरीके से यहां से सिलेक्ट
करना है और यहाँ से आपको रख देना है इस तरीके से बड़ा करने के बाद। उसके बाद दोस्तों लीड के नीचे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इसे कर देना होगा सेंड टू बैक। अब दोस्तों ये हमारे फोटो के पीछे जा चुकी है और जिससे दोस्तों हमारे फोटो में बहुत ही अच्छे लिरिक और साउंड लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको एक इफेक्ट को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस इफेक्ट वाली वीडियो को यहाँ से आपको लगाना होगा, तो उसके लिए भी डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देख लीजिए दोस्तों वीडियो आ चुकी है। दोस्तों ये वीडियो फुल स्क्रीन वीडियो नहीं है, तो कैंची के बराबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले फुल स्क्रीन कर लेना है। इसकी ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए यहाँ से आपको नीचे आना होगा, ऑप्शन दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग का। सिंपली आपको इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपको कर देना होगा स्क्रीन। आप जैसे स्क्रीन करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों हमारी वीडियो में यहाँ से इफेक्ट लग चुके हैं, यानी कि कलर वाला इफेक्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक और इफेक्ट वाली वीडियो को लगाना होगा, तो उसके लिए भी यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से आपको इफेक्ट वाली वीडियो को लगा लेना है। दोस्तों इस वीडियो भी ब्लैक स्क्रीन वीडियो है, तो इसकी ब्लैक स्क्रीन को हटाने के लिए नीचे आना होगा, ब्लेंडिंग पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको इसको भी कर देना होगा स्क्रीन। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को दोस्तों सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको इस तरीके से बड़ा करना होगा। बड़ा करने के बाद यहाँ से आपको इस तरीके से रख देना है, इससे हमारी वीडियो में तगड़ा इफेक्ट आ जाएगा और यहाँ से हमारी वीडियो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। अब दोस्तों जो भी पार्ट बड़े हैं आपको सिंपली इस तरीके से काट देना है कैंची से, बाद में ट्रिम कर देना है, तो आपको ये सब कुछ कर लेना होगा। तो गाइज यहाँ से हमारी वीडियो पूरी तरीके से बन चुकी है, हमारी वीडियो में साउंड लिरिक सब कुछ लग चुका है। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको वीडियो को चला कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों इस वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको 1080p और फ्रेम रेट 30 रखने के बाद वीडियो को आपको कर देना होगा एक्सपोर्ट। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।